नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेव वर्सेस यूएमए के बीच होने वाले मैच के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच के डिटेल्स के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, दोनों टीमों के प्रोबेबल इलेवन कैसे रहेगी, वो प्रोबेबल इलेवन किस तरह से रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। मैं कुछ प्लेयरों के स्टैट्स आपको दिखा दूंगा जिससे कि आप अपनी खुद की एक विनिंग टीम बना सकते हैं, चाहे वो ड्रीम इलेवन का ऐप हो या फिर खुद कोई दूसरा ऐप हो, जरूर आप अपनी अच्छी खासी एक टीम बना सकते हैं, इसके लिए आपको हेल्प हो जाएगी। और आखिर में मैं ऑफकोर्स आपको बताऊंगा ड्रीम इलेवन की तीन विनिंग टीम्स किस तरह से रहेगी, विनिंग टीम्स किस तरह से रहेगी, चाहे उससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, साथ ही साथ ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मैच की डिटेल से वीडियो को शुरुआत करते हैं। एसटीओ वर्सेस यूएमए के बीच मैच है दोस्तों, यानी उमे वर्सेस स्टॉकहोम के बीच ये मैच है। सीरीज का नाम है ECS स्वीडन 2021। इस सीरीज का मैच नंबर 12 है दोस्तों। ये अगर वेन्यू की बात करें तो नॉर्सबर्ग क्रिकेट ग्राउंड स्टॉकहोम है दोस्तों। तो वही अगर डेट को टाइमिंग की बात कर ले तो 22nd ऑफ जुलाई यानी आज के दिन है, दोपहर को 12:30 बजे ये मैच होने वाला है। आप अगर ये मैच देखना चाहते हैं तो जरूर देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड पर दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे बल्लेबाजी करना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों। गेंदबाजी के लिए हमें यहाँ पे कभी ना कभी जरूर साथ मिलने ही वाली है, लेकिन बल्लेबाजी यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे रुकना होगा, यहाँ पे हमें पार्टनरशिप लगानी होगी, आप मतलब प्लेयरों को पार्टनरशिप लगानी होगी। और आखिर में दो चार ओवर जब बच जाए तो फिर बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए विकेट साथ में रखने होंगे जिससे कि एक अच्छी फाइटिंग टोटल बना सके। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी बैटिंग मुश्किल है, वो तो जरूर संभल के खेलना होगा। तो अब बात कर लेते हैं प्रोबेबल इलेवन दोनों टीमों की किस तरह से रहेगी। तो सबसे पहले बात करके उमेया की प्रोबेबल इलेवन, तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। माजिब मुस्तफा, ए भांजवा, प्रदीप सिंह, एच हसन, ए हुसैन हुसैनी, ए अरबर, सैयद जुनेद, एम अहमद, बिलाल सलीम, सोहेल अदनान और जेड हैदर। तो इस तरह से रहेगी उमेया की प्रोबेबल इलेवन। अब स्टॉकहोम की प्रोबेबल इलेवन देख लेते हैं, तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। सी नेल, ए वैद्या, जे शाकिया, विनोद शालिंद्रा, अंकित तिवारी, मनोज तोमर, कुशल पांचाल, डी सिंह, एच संधु, राजेश लाल, श्रीधर पोकाला। तो इस तरह से ये रहेगी प्रोबेबल इलेवन स्टॉकहोम की। तो अब बात कर लेंगे कुछ हॉट पिक्स की, यानी कुछ ऐसे प्लेयर के स्टैट्स में आपको दिखा दूंगा जिससे कि आप अपनी एक अच्छी विनिंग टीम बनाने में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, चाहे वो ड्रीम इलेवन का ऐप हो या फिर कोई दूसरा ऐप हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एम मुस्तफ़ा की। तो ये काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, और अब तक इस टूर्नामेंट में जो जितने भी मैच हुए उन्होंने अच्छे खासे पॉइंट दिए। तो इन्होंने अब तक इस सीरीज में 104 रन बनाए हैं, काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, ज़रूर आप इनको पिक करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ए अबरर है दोस्तों, ही हैज पिक्ड 3 विकेट्स एंड विद द बैट एंड विद द बॉल एंड सम रन्स। इन्होंने भी अपनी गेंदबाजी से 3 विकेट हासिल किए और ज़रूरत पड़ने पर कुछ रन भी बनाए, काफ़ी कम रन है लेकिन बनाए। उसके बाद विनोद चालिंद्रा की बात कर ले तो ही हैज स्कोर्ड 66 रन इन द टोटल सो फार इन दिस कॉम्पिटिशन। इस टूर्नामेंट में उन्होंने भी अब तक 66 रन बनाए जो कि ठीक ठाक साबित हो गए, तो ज़रूर आप इनको भी पिक करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आप बात कर लेते हैं डी सिंह की, तो ही हैज टेकन 5 विकेट्स एंड हीज लाइन एंड लेंथ हैव बीन क्वाइट वंडरफुल। इन्होंने अब तक इस सीरीज में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है और अब तक कुछ ही मैचेस हुए हैं और 5 विकेट ले चुके हैं, साथ ही साथ इनकी लाइन और लेंथ काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, तो इन पर भी आप ज़रूर दाव लगा सकते हैं।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं मनोज तोमर की। जी हाँ दोस्तों, ही हैज स्मैश्ड 27 रन एंड 4 विकेट्स। इन्होंने भी अब तक इस सीरीज में 27 रन बनाए हैं और साथ ही साथ 4 विकेट लिए, यानी एक ऑलराउंडर इनका परफॉर्मेंस रहा है, तो इनको भी आप लेने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से थे कुछ स्टैट्स मैंने आपको दिखा दिए दोस्तों प्लेयरों के, इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी अपनी विनिंग टीम बनाने में, चाहे ड्रीम इलेवन का ऐप हो या फिर कोई दूसरा ऐप हो। अब चलते हैं ड्रीम इलेवन के ऐप पे और देख लेते हैं 3 ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम्स, जिससे कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग भी जीत सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम ड्रीम इलेवन के ऐप पे आ चुके हैं और हमने जो हम ये वीडियो बना रहे हैं एसटीओ वर्सेस यूएम के बीच ये वो मैच है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करनी है और आप अगर टीम नहीं बनाई तो क्रिएट अ टीम पर क्लिक करनी है। लेकिन मैं ऑलरेडी 3 टीम्स बना चुका हूँ, तो मैं माय टीम पर क्लिक करूँगा और एक एक टीम करके आपको एडिट करके दिखा दूँगा किसको मैंने लिया है, और आखिर में ज़रूर दिखा दूँगा कि किसको आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो माय टीम पर क्लिक कर लेते हैं और पहली टीम को एडिट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कीपिंग में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम ज़्यादा तो नहीं ले सकते अभी, फ़िलहाल हम एक ही ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं और वो है एम मुस्तफ़ा। अब चलते हैं बल्लेबाजी पर, तो बल्लेबाजी में भी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादा प्लेयरों ने अच्छे खासे अब तक नहीं खेले, कुछ ही प्लेयर है जिसमें से हम 3 को चूज़ करने वाले हैं, और वो है ए वैद्या, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया खेला है अब तक और अच्छे खासे पॉइंट दे चुके हैं। उसके बाद वी चलिंद्रा को हमने लिया है, ये भी अच्छा खेल रहे और अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अब रार को हम लेने वाले, ये भी काफ़ी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं और अच्छे खासे फॉर्म में, ज़रूर आप इनको भी पिक कर सकते हैं। चलते ऑलराउंडर पर, तो ऑलराउंडर में हमारे पास ए हुसैनी है, उसके बाद हमारे पास एस जुनेद को भी हमने लिया है, दोनों के दोनों बढ़िया खेल सकते हैं, ज़रूर आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद चलते एस असरी अरसी, इनको भी हमने इस टीम में शामिल किया है, ये भी बढ़िया खेल रहे और ज़रूर अच्छे खासे ऑलराउंडर है, आपको ये अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, चाहे वो बैटिंग हो या फिर बॉलिंग हो। तो ये तीनों ऑलराउंडर के बाद अब चलते गेंदबाजी पर, तो गेंदबाजी में हमने 4 गेंदबाजों को लिया है, एच हसन को लिया है, ये भी बढ़िया प्लेयर है और अच्छी खासी विकेट इनको मिलती है। इसके बाद डी सिंह, ये भी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, और ये काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी कर लेते हैं और अच्छी खासी विकेटें भी इनको मिलती है। इसके बाद हमने लिया एम तोमर को, जैसे कि हमने स्टैट्स में देखा था काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, तो ज़रूर आप इनको पिक कर सकते हैं। उसके बाद एस पोकाला को भी हम इस टीम में शामिल करने वाले, ये भी बढ़िया प्लेयर है और ये ज़रूरत पड़ने पर विकेट निकाल सकते हैं, तो अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं 4 गेंदबाज आपको, तो ज़रूर इनको पिक कीजिएगा दोस्तों। तो अब चलते कंटिन्यू पर पिक कर लेते हैं, देख लेते किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन की, तो ऑफकोर्स हमने कैप्टन बनाया एम मुस्तफ़ा जी दोस्तों, कीपर है दोस्तों, कीपर होने की वजह से हमें डबल पॉइंट दे सकते हैं, बैटिंग में तो पॉइंट देंगे ही देंगे, साथ ही साथ ये हमें देंगे कीपिंग के पॉइंट, यानी स्टंपिंग हो, कैचिंग हो या फिर रनआउट हो, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हमें दे सकते हैं। तो वही वाइस कैप्टन हमने ए अरबर को बनाया, अब्रार को बना है, ये भी बढ़िया खेल रहे हैं और अच्छे खासे पॉइंट दे रहे हैं और अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, तो ज़रूर आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टीम बन चुकी है हमारे पास, टीम एक बार टीम प्रीव्यू करा देता हूँ दोस्तों। तो इस टीम में हमारे पास कीपिंग में है एम मुस्तफ़ा, उसके बाद 3 बल्लेबाज है वी चलिंद्रा, उसके बाद ए अरबर है दोस्तों, और उसके बाद है ए वैद्या। ऑलराउंडर की बात कर ले तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, एस जुनेद, ए हुसैनी और एस अरसी। तो इस तरह से 3 ऑलराउंडर है हमारे पास, तो वही हमारे पास 4 गेंदबाज है। जी दोस्तों, 4 गेंदबाज कुछ इस तरह से रहेंगे, एच हसन, उसके बाद एम तोमर, एस पोकाला और डी सिंह। तो ये काफ़ी बढ़िया टीम बन चुकी है। कप्तान की बात करें तो मुस्तफा को मैंने कैप्टन बनाया जो कीपर है, और वही वाइस कैप्टन की बात करें तो ए अरबरा को हमने अरबर को वाइस कैप्टन बनाया, काफ़ी बढ़िया है, दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे खेल रहे हैं, बैटिंग तो काफ़ी जबरदस्त कर रहे हैं, तो ज़रूर आप इन पर भरोसा कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं दोस्तों। तो आप ये टीम ड्रीम इलेवन की ग्रैंड लीग के लिए यूज कीजिएगा दोस्तों, स्मॉल लीग के लिए यूज करके इसे वेस्ट मत कीजिएगा, ज़रूर आप अच्छी खासी टीम बन चुकी है, तो ज़रूर आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। इस टीम को बोल कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं, और दूसरी टीम को एडिट करके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो इस टीम में मैंने 2 कीपर लिए, सी नील को लिया है और एम मुस्तफ़ा को लिया है, दोनों के दोनों बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छी खासी कीपिंग भी कर सकते हैं, तो इस वजह से इन दोनों को मैंने इस टीम में शामिल किया है। 3 बल्लेबाज हमारे पास इस तरह से रहेंगे,
ए तिवारी को लिया है, स्ट्रीम में मैंने चेंज किया है दोस्तों, तो वही ए वैद्या को वापस लिया है और ए अरवर को वापस लिया है। तो ये तीन प्लेयर हमारे पास काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, जरूर अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं, तो आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं। ऑलराउंडर की बात करें तो ए हुसैनी को फिर से लिया है, उसके बाद एस जुनेद को भी लिया है और ए अरसी को भी वापस लिया है। तो तीनों की तीनों ऑलराउंडर काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। तो चलते गेंदबाजी पर, तो इस बार हमने दो कीपर लिए, इस वजह से हमारे पास बॉलिंग में तीन ऑप्शन रहने वाले, पी सिंह को लिया है, वही बात कर लेते पी मिश्रा को भी हमने इस टीम में लिया है और एम ट्रेवर को भी इस टीम में शामिल किया। तो कुल मिला के ये भी काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों, जरूर अच्छी खासी टीम बन चुकी है। कंटिन्यू कंप्लीट कर लेते और देख लेते कैप्टन और वाइस कैप्टन हम किसे बना सकते हैं। तो कैप्टन मैंने बनाया है ए वैद्या जिया दोस्तों, अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं और अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, तो जरूर आप इन पर भी दाव लगा सकते हैं, इन पर भी भरोसा कर सकते हैं। और वाइस कैप्टन की बात करें तो ए हुसैनी को मैंने बनाया है, ये भी बढ़िया है दोस्तों, जरूर आप इन पर भी दाव लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऑलराउंडर होने की वजह से हमें डबल पॉइंट मिल सकते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ये पॉइंट दे सकते हैं, तो जरूर आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं। और आप चाहे तो ए अरबर को फिर से कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं तीन टीमें बताऊंगा, तीनों में अलग अलग कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन दिखाने वाला हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये दो ऑप्शन बताए। तो वही अब चलते हैं टीम प्रीव्यू एक बार करा देता हूँ। तो टीम में इस बार दो कीपर है, सी नील और एम मुस्तफा, दोनों को हमने इस टीम में शामिल किया है। तो वही तीन बल्लेबाज हमारे पास है, ए अरबर अबर, वही बात कर ले तो दूसरे बल्लेबाज है ए तिवारी और ए वैद्या। तो इस तरह से तीन बैट्समैन है हमारे पास, उसके बाद तीन ऑलराउंडर भी रहने वाले, एस जुनेद, ए हुसैनी और ए माफ कीजिएगा एस अरसी। तो इस तरह से तीन ऑलराउंडर है हमारे पास, तीन गेंदबाज है, ए आर मिश्रा, एम तोमर और डी सी। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी बढ़िया टीम बन चुके हैं। कैप्टन की बात कर लेते तो ए वैद्या को मैंने इस बार कैप्टन बनाया, काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे खासे फॉर्म में है और अच्छे खासे पॉइंट हमें दे सकते हैं, इस वजह से मैंने उनको कैप्टन बनाया। तो वही बात कर लेते ए हुसैनी को मैंने वाइस कैप्टन बनाया, ये भी बढ़िया खेल रहे हैं और ऑलराउंडर होने की वजह से हमें डबल पॉइंट दे सकते हैं, बैटिंग और बॉलिंग में ये अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए हमने उनको वाइस कैप्टन बनाया। तो काफ़ी बढ़िया टीम बन चुकी है दोस्तों, आप चाहे तो इस टीम को भी ग्रैंड लीग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसे स्मॉल लीग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसे स्मॉल लीग के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये टीम ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, तो ज़रूर इसे ग्रैंड लीग के लिए लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस टीम को भी क्लोज कर लेते हैं और इस टीम को सेव कर लेते हैं और तीसरी और आखिरी टीम को एडिट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरी टीम में हमने फिर से मुस्तफ़ा को ही लिया है दोस्तों, यही हमारे पास है। तो और दो कीपर को हमने इस टीम में शामिल किया है, पी सिंह को भी लिया है और जे सैली सकिया को भी इस टीम में शामिल किया है। ये तीनों के तीनों काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ कीपर होने की वजह से डबल ऑप्शन मिल जाता है, बैटिंग तो मिलती है साथ ही साथ हमें कीपिंग में भी अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, चाहे वो रनआउट हो, चाहे वो स्टंपिंग हो, चाहे वो कैचेस हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉइंट हमें दे सकते हैं, इसलिए मैंने इस टीम में इन टीमों को शामिल किया। बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं तो बल्लेबाजी में हमने ए वैद्या को लिया है, सी चलिंद्रा को, ए माफ कीजिएगा वी चलिंद्रा को लिया है और ए अबरार को फिर से लिया है। तो तीन बल्लेबाज इस तरह से हमारे पास अच्छे खासे हैं दोस्तों, वही हमारे पास तीन कीपर होने की वजह से दो ही ऑलराउंडर को हम इस टीम में शामिल कर पाएंगे और वो है ए हुसैनी को हमने इस टीम में शामिल किया है और एस जुनेद को इस टीम में शामिल किया है। तो ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है दोस्तों, जरूर आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते गेंदबाजी में, तो गेंदबाजी में हम ऑफकोर्स एच हसन को वापस लिया है, उसके बाद हमने एम तोमर को भी लिया है और एस पोकाला को भी इस टीम में शामिल किया है। ये तीनों के तीनों बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों गेंदबाजी के लिए, जरूर आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं। आप चाहे तो एच हसन की जगह पे डी सिंह को भी ले सकते हैं, इन्होंने भी अच्छी खासी अब तक प्रदर्शन किया है, तो जरूर आप इन पर भी दाव लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम इन्हीं को रहने देते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं और इस टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाया वो भी दिखा देता हूँ। तो मैंने इस टीम का कैप्टन जरूर वी चलिंद्रा को बनाया दोस्तों, आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, अच्छी खासे बैट्समैन है। उसके बाद हमने वाइस कैप्टन बनाया एम तोमर को, ये भी बढ़िया है दोस्तों, जरूर आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं और आप चाहे तो डी सिंह को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं।
आप चाहे तो दीप सिंह को या फिर एम तोमर को भी कैप्टन बना सकते हो, भी चलित्रा को वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं इन्हीं के साथ जाना चाहूँगा उस टीम को, टीम रिव्यू एक बार जरूर करा दूँगा आपका। तो यहाँ पे हमारे पास टीम कीपर है ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है टीम में, इसलिए हमने इस बार टीम कीपर को लिया है, पी सिंह को लिया है, और एम मुस्तफ़ा को तो हमारे हर टीम में रहेंगे तो, और उसके बाद जे सही साकिया को हमने इस टीम में शामिल किया है। तो इस तरह से टीम कीपर है, तीन बल्लेबाजों को भी हमने इस टीम में वापस लिया है, वी चलेंद्रा, ए अबरान और ए वैद्या, तो तीनों के तीनों बैट्समैन बेस्ट है, जरूर आप इन पर दाव लगा सकते हैं। तो चलते ऑलराउंडर पर, तो तीन कीपर लेने की वजह से हमारे पास दो ही ऑलराउंडर का ऑप्शन बचे हैं, वो है एस जुनेद और ए हुसैन। तो इस तरह से दो ही ऑलराउंडर हमको हम ले पाए इस टीम में, तो ही हमारे पास तीन गेंदबाज है, एम तोमर, एस पुक्कलाम और डी सी को हमने इस टीम में शामिल किया। तो काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों, जरूर आप ये टीम ड्रीम इलेवन की ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग दोनों के लिए लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो इस टीम के कैप्टन मैंने वी चलेंद्रा को बनाया और वाइस कैप्टन एम तोमर को बनाया, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन अब तक कर चुके हैं, जरूर आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं, दाम लगा सकते हैं इन पर भी, काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों, जो कि मुझे लगता है कि ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग दोनों के लिए फिट बैठ सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इस टीम को चूज कीजिए, आपको किस लीग के लिए लगाने है, स्मॉल या फिर ग्रैंड लीग। तो ठीक है दोस्तों, इस टीम को भी हम चूज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और वीडियो काफ़ी अच्छी बनी है, तो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए हो तो जरूर इसे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।